अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गर्मियां शुरू हो गई हैं और अगर आपने एसी लेने के लिए मशवरा मांगा है तो आपको कुछ ऐसे मशवरे मिलेंगे। आंखें बंद करके ग्री ले लो, ग्री दूसरा कोई लेने का सोचना भी मत। हायर या मित्सुबिशी? केनवुड ले लो ब्रो। ओरिएंट मत लेना, ओरिएंट बहुत जबरदस्त है। TCL लो। LG का डुअल इन्वर्टर लो। इन्वर्टर AC मत लेना। डॉलेंस बेस्ट है, केनवुड बेस्ट है, डायकन AC बेस्ट है। ओरिएंट लो, एक महीने से चला रहा हूं, कोई मसला नहीं आया। AC जैसी महंगी चीज लोग सिर्फ एक ब्रांड के नाम पर कोई सा भी यूनिट उठा लेते हैं और अक्सर औकात पाकिस्तान में सेल्स वाले आपको गाइड करने के बजाय मिसगाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ली जाए ताकि आप अपने लिए कोई एक अच्छा सा AC रिसर्च करके पसंद करें और जब आप दुकान पर जाएं तो यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने जहाँ पे AC लगाना है वहाँ पे कितने टन का AC लगेगा। तो अक्सर औकात ये होता है क्योंकि एक टन वाला AC सबसे अफोर्डेबल होता है, लोग वही ख़रीद के किसी भी कमरे में लगा देते हैं। तो अगर आप एक टन का AC बहुत बड़े कमरे में लगाएंगे जहाँ पे एक डेढ़ टन का या दो टन का लगना चाहिए तो वो एक तो कमरा ठंडा होने में टाइम लगाएगा और उसका कंप्रेसर हर वक्त फुल स्पीड पे चल रहा होगा जस्ट टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। तो शुरू में तो आपको एक टन का AC सस्ता पड़ेगा, बट विद पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उसका कंप्रेसर हर वक्त फुल स्पीड पे चल रहा होगा उसका बिल ज़्यादा आएगा और वो आपको महंगा पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का तयन कर लें कि आपको कितने टन का AC लेना है, क्योंकि टन की जो टर्म है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आई है। कि पुराने ज़माने में जब बर्फ़ के ब्लॉकों से कमरों को ठंडा किया जाता था तो जो एक टन का जो बर्फ़ का ब्लॉक था उससे किस साइज़ का कमरा ठंडा हो सकता था उस हिसाब से, वही कैलकुलेशंस के हिसाब से AC की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। अगर आपका कमरा 150 square feet तक है तो आपको एक टन का AC लगाना चाहिए। अगर आपका 250 square feet तक है तो आपको डेढ़ टन का लगाना चाहिए AC। और अगर आपका 400 square feet तक है तो आपको दो टन का AC लगाना चाहिए। इसमें प्लीज़ आप लोग कंजूसी ना करें, एक जो अप्रोप्रिएट साइज़ है AC का वही लगाएं, वरना आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा और आप जो भी लें इन्वर्टर लें नॉन इन्वर्टर लें उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसर हर वक्त फुल स्पीड पे ऑन रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। मेरे लिए ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इन्वर्टर ही लेना चाहिए, मगर बहुत सारे मैं आजकल ऑनलाइन फोरम्स पे देख रहा हूँ कि लोग नॉन इन्वर्टर को रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस शायद आसान है। मगर लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है क्या। एक इन्वर्टर AC का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो कंप्रेसर है उसकी वो स्पीड रेगुलेट कर सकता है, वेयर एज नॉन इन्वर्टर AC या तो फुल स्पीड पे चलता है उसका कंप्रेसर या बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो अगर हम एक गाड़ी की एग्जांपल लें तो एक नॉन इन्वर्टर AC ऐसी गाड़ी है जो या तो फुल स्पीड पे चलती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, वेयर एज इन्वर्टर AC एक नॉर्मल गाड़ी की तरह जैसे आप अपनी नीड के मुताबिक या तो उसको स्पीड अप कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। तो एक इन्वर्टर AC शुरू में जब अपना कमरा ठंडा कर लेता है उसके बाद वो कंप्रेसर बंद नहीं करता है, मगर उसकी कंप्रेसर की पावर को बहुत कम कर देता है और वो उस टेम्परेचर को मेनटेन रखता है एट अ लो पावर ऑफ यानी कंजम्पशन। तो कंप्रेसर हल्का हल्का चल रहा होता है और उस कमरे को ठंडा रखता है, इससे आपकी बिजली भी बचती है और शोर भी कम होता है। और इन्वर्टर AC का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो हीट एंड कूल के साथ आता है, तो वो सर्दियों में भी आपका साथ देगा। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो ये पॉइंट बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि ब्रांड्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आपको मार्केट में DC इन्वर्टर मिलेगा, सिर्फ इन्वर्टर मिलेगा जो ब्रांडिंग मैं बता रहा हूँ आपको, आपको 60% एफिशिएंसी सेविंग्स, 50% 75% हर किस्म की आपको नंबर आपको आपके ऊपर फेंके जाएंगे। और देन हाउ डू यू नो कि कौन सा इन्वर्टर सबसे अच्छा है? तो इसका मैं आपको ये बता दूं कि देर आर 3 types ऑफ इन्वर्टर ACs। पहला आपको मिलेगा 1 DC या DC इन्वर्टर, दूसरा होगा 3 DC इन्वर्टर और तीसरा है फुल DC या 5 DC इन्वर्टर। तो ये 3 चीज़ें क्या है, इनमें फ़र्क क्या है? तो जो DC इन्वर्टर है, 1 DC इन्वर्टर अगर मैं इसको कहूँ, तो उसमें सिर्फ कंप्रेसर जो है वो इन्वर्टर या DC करंट पे होता है। जो 3 DC इन्वर्टर है उसमें आपको कंप्रेसर, इंडोर मोटर और आउटडोर मोटर तीनों डायरेक्ट करंट पे मिलेंगे, बाकी सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे होंगे।
और जो फुल डीसी या 5 DC इन्वर्टर्स को कहते हैं, उसमें आपको ये जो 3 DC वाली चीज़ें हैं प्लस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और इंडोर वेन मोटर, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको फुल डीसी इन्वर्टर में डायरेक्ट करंट पे मिलेंगी और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो अब आपको जो है इस, अगेन फुल डीसी इन्वर्टर सबसे ज़्यादा महंगा होगा, 3 DC इन्वर्टर उससे सस्ता होगा। और मैं यहाँ पे एक ब्रांड्स से कंप्लेन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना इस मामले को बिल्कुल भी क्लैरिटी इसमें नहीं आती, इस ये बिल्कुल भी बॉक्सेस पे क्लियरली मेंशन नहीं होता, और आई थिंक गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन भी नहीं है इस मामले में। तो मैंने देखा है कि 3 DC इन्वर्टर और फुल DC इन्वर्टर दोनों जो है आप उसको 75% क्लेम करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी पे, वेयरस अगर उनकी जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाए तो वो 75% पता नहीं कहाँ से सारे बराबर हो जाते हैं। प्लीज़ सेल्स वालों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा इस मामले में कि वो आपको बताएं कि ये फुल डीसी है या 3 DC है, वो आपको यूजुअली मिसगाइड करेंगे। तो आपने ख़ुद अपनी रिसर्च करनी है और आपने फाइंड आउट करना है, और ये वेबसाइट्स पे भी बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं होता एसी का। फॉर एग्जांपल मैं एक केनवुड का एग्जांपल देता हूँ, 1838 है वो फुल डीसी इन्वर्टर है, 1835 3 DC इन्वर्टर है, 1841 3 DC इन्वर्टर है। तो ये जो इनकी नंबरिंग है ये इज़ ऑल ओवर द प्लेस, तो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर एग्जांपल कि जो सबसे बड़ा नंबर है या सबसे छोटा नंबर है आप उसको सबसे प्रीमियम मॉडल में रखें, फुल डीसी इन्वर्टर में रखें, और जो बाकी आप उसी को एक सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि एक आसानी हो बंदे को डिसाइड करने में कि एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है या एक मिड रेंज वेरिएंट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ब्रांड्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको कन्फ्यूजिंग बनाने में। तो आपने जब बेसिक अपनी चॉइस करनी है तो ये ज़रूर देखना है कि वो कौन सा इन्वर्टर है। अब आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो इसको मार्केट में कहा जाता है EER रेटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी एसी लेने से पहले उसकी EER रेटिंग पता करनी है। तो इस वक्त 3.6 से लेके 4.0 अगर आपका एसी इस रेंज में आ रहा है तो इट्स शुड बी कंसिडर्ड वेरी वेरी एफिशिएंट। तो आपने कोई इस तरह के जो मैंने मार्केटिंग गिमिक्स देखे हैं, बहुत सारे नंबर्स आप पे फेंके जाएंगे 75-60% और इतने हज़ार रुपए का आपका बिल बच जाएगा, तो आपने उन नंबर्स को बिल्कुल इग्नोर करना है और आपने डायरेक्ट EER रेटिंग देखनी है कि आपके एसी की क्या है। तो एनीथिंग अबव 3.6 इज़ वेरी गुड। तो इसमें इस वक्त जो मार्केट में मेरी रिसर्च के मुताबिक 3 एसी हैं जो बहुत अच्छी EER रेटिंग के साथ आ रहे हैं, उसमें पेल जम्बो है और ग्री का फेरी सीरीज़ है और कैनवुड का 1838S ई स्मार्ट वेरिएंट है। ये 3 एसी बहुत ज़बरदस्त EER रेटिंग के साथ आ रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को मिस कर दिया, तो दीज आर द 3 एसीज जो मुझे पता है। और इसमें मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा, उन्होंने इसको रेगुलेट नहीं किया हुआ, बहुत सारी ब्रांड्स ये नंबर छुपा के रखती हैं या रिलीज़ नहीं करती हैं, बड़ी मुश्किल से उनका EER रेटिंग मिलता है। तो जो जिनके अच्छे नंबर होते हैं वो तो दिखा लेते हैं, मगर बहुत सारी ब्रांड जो हैं ये EER रेटिंग अपना छुपा के रखती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा इसको मैंडेटरी बनाएं, कोई स्टैंडर्ड्स बनाएं ताकि जो लोगों के लिए आसानी हो एसी ख़रीदना, और जो ब्रांड्स इधर उधर जो नंबर्स देती हैं ना और इनके जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं उन सब पे जो है ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स होने चाहिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये मैं डेफिनेटली आप EER रेटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अब आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट आपको बहुत एक बड़े फ्रॉड से बचा सकता है, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्लियरली यूजुअली मेंशन नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये भी। तो आई एम गोना टॉक अबाउट कंप्रेसर टाइप्स। तो 3 किस्म के कंप्रेसर आते हैं, T1, T2, T3 ये 3 किस्म के कंप्रेसर हैं। और इसमें भी अगेन आपका कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए जो T2 कंप्रेसर है वो सबसे लोअर क्वालिटी का है, मतलब वो क्वालिटी नहीं मैं कहूँगा, जो T2 कंप्रेसर है वो 35 डिग्री की गर्मी तक यानी ठंडे इलाकों के लिए बना होता है।
तो 35 डिग्री से ज़्यादा अगर गर्मी होती है तो T2 कंप्रेसर ने जवाब दे देना है। T1 कंप्रेसर उसके बाद आता है, वो जो है 43 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, उसके बाद वो जवाब दे देता है। और T3 कंप्रेसर जो है वो 51 डिग्री तक अपना काम करता रहता है, ये सबसे बेहतरीन कंप्रेसर होता है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि T2 जो है वो सबसे नीचे आ रहा है, T1 उसके बाद आ रहा है और T3 उसके ऊपर आ रहा है। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है एक आम आदमी के लिए, और ये क्लियरली मेंशन भी नहीं होता है। तो बहुत सारे जो आपको सस्ते एसी मिलेंगे मार्केट में, स्प्लिट एसी, उनमें T1 कंप्रेसर लगा हुआ होता है, और यही उनकी प्राइस डिफरेंशिएटिंग इनका वो होता है फैक्टर। तो अगेन बहुत सारा एक आम आदमी यही सोचता होगा कि एक लाख बीस हज़ार के एसी और 90,000 के एसी में क्या फ़र्क है, ये कंप्रेसर का फ़र्क होता है। तो T1 कंप्रेसर जो है 43 डिग्री तक चलेगा, उसके बाद वो वाकई में जवाब देना शुरू कर देगा। तो अगर आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लीज़ T3 कंप्रेसर वाला एसी लें। और अगेन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सेल्स वालों पर ट्रस्ट नहीं करें, वो आपको शायद T1 कंप्रेसर वाला T3 करके बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, अगर सारे सेल्स वाले ऐसे नहीं हैं पाकिस्तान में, बट अक्सर ऐसे ही हैं। तो ये आपने ख़ुद अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है और अपनी ऑनलाइन रिसर्च करके मार्केट में जाना है। तो छठे पॉइंट में मैं ये डिस्कस करूँगा कि आजकल जो नए एसी आ रहे हैं वो वाईफाई केपेबल होते हैं, मतलब वो स्मार्ट एसीज होते हैं। तो इससे आपके लिए बहुत सारी जो हैं फ़ीचर्स अनलॉक हो सकती हैं, और ये मेरे लिए जो मैंने एसी चूज़ किया उसमें भी ये फ़ीचर्स हैं, वो स्मार्ट एसी है, तो उसने मेरी ज़िंदगी बहुत तरीके से आसान की है। तो वो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा कैसे की है। बट अगर आपको लगता है कि आपको फ़ीचर नहीं चाहिए तो आप इसमें कुछ पैसे बचा सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक स्मार्ट वाईफाई एसी लें, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फ़वायदे हैं। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। सातवें पॉइंट में मैं ये मेंशन करूँगा कि आप ये एसी लेने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपका जो एसी है वो कॉपर कंडेंसर कॉइल्स के साथ आता है। एल्युमिनियम जो कंडेंसर कॉइल्स हैं वो सस्ती होती हैं, मगर उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है और वो कूलिंग भी इतनी अच्छी नहीं करते। तो जो कॉपर है वो इज़ मच बेटर चॉइस, तो मेक श्योर कि आप कॉपर चूज़ करें। आठवां और आखिरी पॉइंट है ब्रांड रेपुटेशन और सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स जब आप एसी लें तो आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए, मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस का इशू आए भी तो आपको यानी अवेलेबल हो पार्ट्स उसके, उसकी जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कंपनी आपको आके फिक्स करके दे चीज़। तो वारंटी पीरियड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस पे ऑलरेडी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू इट। तो द इशू इज़ के सिर्फ लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो बाकी सात पॉइंट जो मैंने मेंशन किए हैं उनको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें, और जो है वर्ड ऑफ माउथ को देखें और देखें कि बाकी लोगों से पूछें कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है जो ब्रांड आप लेना चाह रहे हैं। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने अपने लिए कौन सा एसी पसंद किया, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में डाल दूं। मैं हरगिज़ किसी कंपनी से इस वक्त स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, इस वक्त मेरे ना इतने सब्सक्राइबर हैं ना इस वक्त मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो डोंट वरी, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। ये मैंने अपने पैसों से हर चीज़ खरीदी है और इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। तो क्योंकि बहुत सारे आप लोग पूछेंगे और फिर मुझे कमेंट्स में बताना पड़ता है, तो मैं इसको सोचा कि इसको इंक्लूड कर दूं वीडियो में ही, और डिटेल्स से इंक्लूड करूं कि मैंने क्यों ये वाला एसी ख़रीदा और मेरा बाइंग प्रोसेस क्या था। तो ये मैंने ख़रीदा है कैनवुड का ई स्मार्ट प्लस 1838S। ये एक बहुत ही पॉपुलर एसी है पाकिस्तान में, और ये इतना मुश्किल से मुझे मिला है। मैंने इसको 1,05,000 का ख़रीदा है और इस वक्त ये पाकिस्तान में 1,25,000 तक टच कर रहा है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट हुआ है एसी, और यू विल बी वेरी लकी कि अगर आपको ये किसी के पास मिलता है। तो ये मैंने एसी इसलिए चूज़ किया क्योंकि इट टिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर मी।
इसकी वन ऑफ द हाईएस्ट डबल ईआर रेटिंग है, 4.0 इसका रेटिंग है। आई डोंट थिंक अभी तक पाकिस्तान में कोई एसी आया है जो इससे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सका है। इसका T3 कंप्रेसर है, ये वाईफाई इनेबल्ड है और ये डेटन का इसका बहुत बड़ा आउटडोर और इनडोर यूनिट है। तो इसकी जो है ना काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हुए थे ऑनलाइन भी और जो मैंने लोगों से पता किया है। और इसका जो पुराना मॉडल था 1820, ये 1838 है, इसका जो पुराना मॉडल था 1820 वो भी बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिव्यूज़ थे, लोगों ने बहुत उसको उसकी पजीराई की थी। तो उस बेसिस में यानी इट हैड ऑल्सो पास द टेस्ट ऑफ टाइम, तो लोगों ने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करे थे, तो एक रिलायबल चीज़ थी और फिर मैंने अपने लिए ये एसी चूज़ किया। तो मुझे इस एसी के साथ तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ इसके बारे में शेयर करूं, मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। स्पेशली ऐसी चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जो बाकी एसीयों पे भी अप्लाई करेगी जो इसकी तरह के होंगे। तो इसका जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हीटिंग एंड कूलिंग है, ये बहुत ज़्यादा क्वाइट है जो एक स्टूडियो इन्वायरमेंट में मैंने अपने स्टूडियो के लिए लगाया है। तो इट्स अ वेरी क्वाइट एसी, इसमें क्वाइट मोड आता है और जो आपने मेरी पिछली जो रिकॉर्डिंग थी वो उसमें एसी चल रहा था, तो आपको अगर आवाज़ आ रही थी एसी की तो आप इसको कह सकते हैं कि क्वाइट नहीं है, मगर आपको नहीं पता था कि एसी चल रहा है उस पिछली वीडियो में जो भी आपने देखी है, तो उसमें एसी चल रहा था और इट वाज ऑलमोस्ट नॉइजलेस। तो एक बहुत बड़ा फीचर है जो Kenwood एक्चुअली डजंट रियली एडवर्टाइज प्रॉपरली, मुझे एक बाद में पता चला जब मैंने इसकी ऐप देखी। स्पीकिंग ऑफ द ऐप, ये एक स्मार्ट एसी है और मैं आपसे सबसे रेकमेंड करूंगा कि एक स्मार्ट एसी लें, और मैं आपको बताता हूं मैंने इसको किस तरह अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके मैंने फ़वाद हासिल किए। तो एक तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर है और आई थिंक सारे स्मार्ट एसीज में होगा, सिर्फ इसमें नहीं है, कि आप इसको टाइम लगा सकते हैं, इतने बजे ऑन हो जाओ और इतने बजे ऑफ़ हो जाओ। तो आपको पता है मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो जब शाम का वक्त होने लगता है तो सोलर का टाइम ख़त्म हो रहा होता है, तो मैंने सारे एसी जो घर में हमारे ये Kenwood के स्मार्ट एसीज, उनको मैंने कहा है कि तुम 4 बजे सारे बंद हो जाओ, तो सारे जो हैं 4 या 4:30, 5, 3, 4 मैंने टाइमर लगाए हुए, तो सारे एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हमें हुआ था सर्दियों के वक्त में, इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो फजर पे उठना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, तो हमारे कमरे में भी ये वाला एसी लगा हुआ है और हमने बड़ा उसको एफिशिएंटली यूज़ किया। तो जैसे ही फजर की अजान का वक्त था तो मैंने उसको सेट कर दिया टाइमर पे कि ये हीट मोड पे ऑन हो जाए और आधे घंटे बाद खुद ब खुद ही ऑफ हो जाए, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और ये बहुत कामयाब रहा है, हमारी काफ़ी सारी फजर जो है वो मिस नहीं हुई इस वजह से आई थिंक। तो ये खुद ही ऑन होता था, कमरा गर्म होता था आधे घंटे में, खुद ही ऑफ भी हो जाता था, यानी हमें रिमोट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक और, क्योंकि ये स्मार्ट एसी है तो आप इसको वॉइस कमांड से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो गूगल असिस्टेंट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टर्न ऑन स्टूडियो एसी। तो इसकी एक अलग से ऐप भी है एसी फ्रीडम के नाम से, तो उसमें बहुत सारे आपके फीचर्स एक्स्ट्रा आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे टाइमर है कि किस वक्त ऑन होना है किस वक्त ऑफ होना है, और इसके बहुत ज़बरदस्त और फीचर्स भी हैं, जिस तरह आप एक एसी को बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा आप पावर नहीं लो, तो जिस तरह आप उसको कह सकते हैं अपनी 50% पावर पे चलो, तो ये भी एक बहुत कूल फीचर है इसका। और ये 4D एयर फ्लो है, तो ये इधर उधर भी हवा फेंकता है और ऊपर नीचे भी फेंकता है, ऑटोमेटिक है सारा। और इसका इको मोड भी है और एक स्लीप कर्व मोड भी है, वो भी बड़ा फैसिनेटिंग चीज़ है, उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। वो ये है कि आप जब 16 पे आपने चला दिया एसी, तो जब आप सोने लगेंगे सो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, मगर इससे बेहतर फीचर यही है कि आप उसको 1 घंटे के लिए ऑन करें और ख़ुद ब खुद आपसे बोल दें कि रात के 1 बजे आप ऑफ हो जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, या 12 बजे, तो वो खुद ब खुद ही उसी हिसाब से ऑफ हो जाएगा। और अगेन मैं आपको म्यूट वाला फीचर बताता हूँ, अभी फ़ैन स्पीड ऑटो पे है, अब मैं इसको म्यूट पे कर रहा हूँ, राइट, अभी ये म्यूट इसका फ़ैन हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं ये कितना खामोश है। उसके अलावा जो है इसकी जो ख़राब चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक तो जो है बहुत ही एक बोरिंग इंटीरियर है इसका मेरे ख्याल से, बहुत ही नहीं, आई वॉन्टेड अ ब्लैक एसी फॉर माई स्टूडियो,
मगर मुझे वाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अभी एसी चल रहा है और ये बहुत इस वक्त खामोश है और मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ये क्वाइट मोड पे चल रहा है। और मैं इसका दूसरी इसकी बहुत एक ख़राब चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत ही ख़राब लगी है वो है इसका ये रिमोट। बहुत ही एक सस्ता और घटिया रिमोट कैनवुड ने दिया है, बहुत ही सस्ती हरकत की है कैनवुड ने। और ये इतना यानी ख़राब रिमोट है, इतना फ्लैगशिप इनका मॉडल है और उसके बाद उन्होंने ऐसा रिमोट दिया, तो बहुत ही एक यानी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी। और ये इसके ना पीछे बैकलाइट है, आपको यूं करके देखना पड़ता है लाइट के अंदर। आई कैन नॉट इवन इमेजिन जो लोगों को करीब की नज़र का प्रॉब्लम है वो कैसे इसको देखते होंगे, क्योंकि वाकई में कुछ पड़ा नहीं जाता इसमें, इतना ख़राब रिमोट है ये। और इसमें बहुत सारे जो यानी बटन्स ऐसे ही बस डाल दिए, जो इसके इतने कूल फीचर्स जो आपको ऐप में मिलते हैं वो इस रिमोट में है भी नहीं। जिस तरह एक क्वाइट मोड है, आप इसको रिमोट से क्वाइट मोड पे कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही सस्ती हरकत है, सॉरी कैनवुड, आई हैव टू से दिस। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। खैर, ये मेरा हो गया कैनवुड का रिव्यू। अब आप ये भी पूछेंगे मैंने कहाँ से ख़रीदा, क्योंकि मैंने सेल्स वालों की काफ़ी बुराइयाँ की हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि ये कहीं नहीं मुझे मिल रहा था एसी। मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे लोगों को बहुत जगह ढूंढा, हर मार्केट में मैंने, हर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, हत्ता कि मैंने कैनवुड की अपनी वेबसाइट पे ढूंढा, कैनवुड पाकिस्तान, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। फिर एक मुझे वेबसाइट मिली जहाँ पे ये स्टॉक में था, वो थी parkref.com। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, वजीब भाई हैं उनके जो ओनर हैं, आई थिंक वही मैनेज करते हैं उसकी डिजिटल साइट। तो उनसे मेरा रابطہ हुआ और उन्होंने मेरे लिए ये एसी अरेंज किए और अच्छी रेट पे भी अरेंज किया और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस थी उनकी। तो parkref.com वजीब भाई को मैंने कांटेक्ट किया कि मैं आपका ज़िक्र करूँगा वीडियो में। अगेन मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हुई उनकी तरफ से, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे व्यूअर्स के लिए कोई डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। तो ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ कि आप अगर मेरे रेफरेंस से उनकी सेल्स टीम से कांटेक्ट करते हैं तो आपको फ्लैट 2,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल एयर कंडीशनर्स, और कुछ यूनिट्स पे आपको शायद फ्री शिपिंग भी मिल जाए। और parkref.com की एक और ज़बरदस्त बात यह है कि उनका एक फ़िज़िकल स्टोर भी है कराची में। तो लेट्स से ये कोई सिर्फ ऑनलाइन ओनली स्टोर नहीं है, तो अगर आपके पास कोई मसला होता है तो आप एक्चुअली एक फ़िज़िकली कहीं जा सकते हैं दुकान पे टू रेज़ योर कंसर्न्स। तो ये बहुत सारी जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ये आपको पता नहीं होता कि कल बंद हो जाएं, फिर देन यू हैव नो बैकअप, यानी कि आप कहाँ से सपोर्ट लेंगे। और एक और चीज़ जो मैं पहले मेंशन करना भूल गया था कि आप ज़रूर एक ऑथराइज्ड डीलर से अपना एसी लें, ताकि आपको वारंटी क्लेम्स में शायद मसला ना हो। तो एक ऑथराइज डीलर आप किसी भी वेबसाइट, आप ज़रूरी नहीं कैनवुड, ग्री, हायर, जहाँ भी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उनके ऑथराइज डीलर्स की आप लिस्ट देखें। तो parkref वाज ऑथराइज डीलर ऑफ कैनवुड एज वेल। तो ये एक मेरा एक और प्लस पॉइंट था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था parkref के साथ, और ये सारा कराची से शिप किया गया था लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से, तो वो भी बड़ी अच्छी कंडीशन में आया था। और अगेन 2,500 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो ट्राई टू गिव यू द बेस्ट डील पॉसिबल। तो अगेन मुझे कोई आपकी सेल्स से जो जितने आप एसी लेंगे, मुझे कोई किकबैक नहीं मिल रहा, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा। तो मैंने सारा जो है, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को एक ज़बरदस्त डील मिले और एक अच्छी जगह से मिले। स्पेशली मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को या रिलेटिव्स को, या डोनेट करना चाहते हैं एसी एंड दे डोंट वांट टू गिव कैश, तो एक डायरेक्ट आप यानी एक एसी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू उनको दे सकते हैं पैसे। और मैं शुरू में स्केप्टिकल था कि मैं एसी की पूरी पेमेंट कर दूं बिफोर इवन गेटिंग द एसी, बट मैंने अल्लाह का नाम लेके कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त था parkref के साथ। तो अगेन आई वुड से कि दिस इज़ अ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक ये अपॉर्चुनिटी है, एक वेबसाइट है, एक एवेन्यू है वेयर दे कैन यू नो सरप्राइज देयर फैमिली और फ्रेंड्स, या दे कैन डायरेक्टली परचेज द आइटम्स ऑनलाइन। तो बहुत सारी ऐसी कम वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में वेयर यू कैन डू दैट। तो ये अगेन इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। तो आई होप के दिस वीडियो वॉज़ हेल्पफुल फॉर यू।
और लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें शायद अवॉइड कर दी हैं, जैसा 4D एयर फ्लो है, सेल्फ क्लीनिंग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एसी की कंपनीज हैं वो मेंशन करती हैं। बट आई थिंक ये जो मैंने चीज़ा चीज़ें थी मेन पॉइंट्स थे, ये आप ज़रूर कंसिडर करें एसी लेते वक्त। और अगेन डू योर रिसर्च ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आखिर में मैं एक और कंज्यूमर एडवाइस देना चाहता हूँ लोगों को जो एसी लेना चाह रहे हैं, कि खुदारा जो है ये सेल्स वालों से आप बच के रहें। अगेन मैं जनरलाइजेशन नहीं करना चाह रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस इतना यानी ख़राब रहा है, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाने का सोचा है। और इसी वजह से जो है मैं आपको वॉर्न भी कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं ये बड़े बड़े कॉरपोरेशन, मैं नाम नहीं लूँगा इनको, बिल्कुल भी इनके अनट्रेंड स्टाफ होता है, इनको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और जो है बस मोबाइल पे लगे होते हैं, बस उनका ये होता है कि बस हम वहाँ खड़े हुए, दे आर जस्ट देयर टू जस्ट अपनी हाजिरी लगाने के लिए, और वो बिल्कुल भी आपको गाइड नहीं करते, और तो गाइड करते भी हैं तो मिस गाइड करते हैं। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो यानी एक रेड फ्लैग है वो ये कि जो सेल्स वाले हैं वो झूठ बोलने से यानी वो डरते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको भी एडवाइस दे रहा हूँ, जब आप किसी भी दुकान पे जाएं और आपने सेल्स वाला आपके पास आए तो उसको टेस्ट करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आपको एक एसी का आप स्टडी करके जाएं और आपको उसकी हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उससे बोलें यार ये 3DC इन्वर्टर है या फुल DC इन्वर्टर है या एक किसकी EER रेटिंग क्या है, तो बहुत अगर उस सेल्स वाले को नहीं पता तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता, वो झूठ बोलेगा। तो इससे जो है ना ये बहुत बड़ा एक जो है वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यानी किसी भी सेल्स वाले के को ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली। तो इस जो भी आप जिससे भी ख़रीद रहे हैं उससे उसको आप टेस्ट करें, इसी तरह आप उससे सवाल जवाब करें जिसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है एक्यूरेट, और आप देखें कि वो बंदा क्या कहता है मुझे नहीं पता, या वो सही जवाब देता है उसका। तो अगर वो सही जवाब दे रहा है या वो कह रहा है मुझे नहीं पता तो उसका मतलब वो एक ईमानदार आदमी है, वरना दूसरा जो है वो झूठ अगर बोल बोल के आपको कर रहा है तो आप उधर से फौरन उससे आप एसी ना लें, उधर से निकलें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 1838S Kenwood का लेने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ हुआ था। तो मुझे एक सेल्स वाले ने कहा कि 1838 की तो नहीं है मगर 1835 ले लें, ये बिल्कुल वही चीज़ है, और ये इससे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता सेल्स वाला, यानी इस तरह आपको बोलेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर अभी जो 1841 लॉन्च हुआ है Kenwood का ब्रांड न्यू मॉडल है, तो क्योंकि 1838 मार्केट में शॉर्ट हुआ है तो बहुत सारे सेल्स वाले यही बोलेंगे कि 1838 तो 2019 का मॉडल है, 2020 का मॉडल है, ये देखें ये 2021 का मॉडल है, 1841 इससे ज़्यादा। और ये मैं ब्रांड्स की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, इन्होंने बिल्कुल भी इसको यानी इस सो कंफ्यूजिंग, इन्होंने किस तरह इसको कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है हर चीज़ को। तो इस तरह वो आपको वो 1841 करके भेज देंगे जैसे कि वो 1838 से सुपीरियर है, इट्स वेरी ईजी। तो अगर आपको ये सब नहीं पता होगा, आप अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे विद ऑल दिस नॉलेज और रिसर्च, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस है फ्रॉड होने का, बिकॉज़ यहाँ पे दे विल डू एनीथिंग कि आपको बस वो एसी बेच दें किसी तरह, और वो कोई भी झूठ भी बोल देंगे या ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं पता या वी डोंट नो दिस इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी आके उठा के नंबर दे देंगे। तो ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है और इसी वजह से मैं बदजन हुआ हूँ सेल्स वालों से, इसलिए मैं सारी रिसर्च ऑनलाइन करके जाता हूँ बिफ़ोर आई बाय एनीथिंग। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करके जाएं और फिर वो चीज़ मार्केट में जाने के ख़रीदने